हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जॉब वैकेंसी निकल करके आई है वो टाटा मोटर्स की तरफ से जॉब वैकेंसी निकल करके आई है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी में बड़ी भर्ती निकल करके आई है और सीधी भर्ती निकल करके आई है टाटा मोटर्स कंपनी में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो गया है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको लगभग 23,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। साथ ही 10th 12th ITI डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर जॉब मिल सकती है और महिला और पुरुष सभी लोग यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, भारत की किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप टाटा मोटर्स कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखें। हमने इसमें A to Z जानकारी दी है कि कैसे आपको जॉब मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% चांस हो जाते हैं कि जॉब मिल सकती है। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। टाटा मोटर जॉब रिक्वायरमेंट 2022 यानी कि टाटा मोटर्स की जॉब रिक्वायरमेंट है वो 2022 की निकल करके आई है। दोस्तों टाटा मोटर्स जॉब वैकेंसी की बात करें, पोस्ट नेम की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैनेजर के पोस्ट हैं दोस्तों, और यहाँ पर हेल्पर के पोस्ट हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट हैं, फोरमैन के पोस्ट हैं, मैकेनिक के पोस्ट हैं, बहुत सारी अलग अलग जो है पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल करके आई है। जो भी चीज़ आपको आती है उस चीज़ में आप यहाँ पर जो है जॉब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर HR वगैरह बहुत सारे जो हैं यहाँ पर पोस्ट निकल करके आई हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फिटर वगैरह की भी यहाँ पर जॉब हैं, बहुत सारी जॉब निकल करके आई हैं। दोस्तों अगर आपने अगर कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया है तो भी आपको यहाँ पर जो है अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पर मिल जाएगी। रिसर्च की है, प्रिंसिपल रिसर्च है, इन तरह सभी पदों पर जो है जॉब निकल करके आई है। अगर दोस्तों जॉब लोकेशन फॉर टाटा मोटर्स जॉब इन इंडिया यानी कि टाटा मोटर्स की जॉब की लोकेशन की बात करें तो मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया यानी कि इंडिया में अलग अलग लोकेशन पर जो है यहाँ पर जॉब है। हु कैन अप्लाई यानी कि इस कंपनी में जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बताऊंगा। वो सिंपल सी वो है, आप आराम से अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास यहाँ पर आपको प्रोसेस नहीं करनी है और बिल्कुल फ्री है, कहीं भी किसी प्रकार का एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हु कैन अप्लाई यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यानी कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं, भारत के जितने लोग हैं वो कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं से गांव से हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। मेल फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही लोग इस कंपनी में जो है काम कर सकते हैं। टाटा मोटर्स जॉब वैकेंसी फ्रेशर हैं। अगर आप जैसे कि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपने कभी भी काम नहीं किया, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आपको एक्सपीरियंस है तब भी आप काम कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें यानी कि एक एज लिमिट होती है इस कंपनी में काम करने के लिए, इतनी उम्र चाहिए उतनी चाहिए, तो उस हिसाब से इस कंपनी में काम करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है। फोर पोस्ट विस्ट द एज रेगुलेशन, जो कंपनी का अकॉर्डिंग जो एज रेगुलेशन है वो भी यहाँ पर लागू होते हैं। एज रेगुलेशन कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, जैसे वो कंपनी अगर छूट दे रही है तो OBC को 3 साल की छूट मिल सकती है, SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिल सकती है और PW कैंडिडेट के लिए 10 ईयर की छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। टाटा मोटर जॉब नियर है, आपके आसपास भी मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करें दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई आपने डिप्लोमा किया है, ITI वगैरह किया है, GTI किया है, इलेक्ट्रिक फिटर वगैरह कुछ भी किया है तो आप यहाँ पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपको लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वो ही प्रोसेस आपको अपने फॉलो करना है और अप्लाई करना है। तो आप जैसे कि अब मैं आगे बता रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक देखें और वैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, पैसा एक भी कहीं भी किसी प्रकार का नहीं जाएगा, ना दें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को खोल लिया, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसमें सर्च करता हूँ privatejobnaukri.com। चलिए मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा privatejobnaukri.com, PRIVATEJOB
NAUKRI नौकरी, फिर डॉट लिखूंगा लगाऊंगा यहाँ पर और फिर लिखूंगा COM. इसी तरह से सेम टू सेम आपको लिखना है। लोग स्पेस दे देते हैं, बहुत से लोग तो स्पेस नहीं देना है, आपको सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है प्राइवेट जॉब नौकरी डॉट कॉम। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर खुल जाएंगे। अगर दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ना आए, पहली जो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा उस पर क्लिक करके भी आप यहां पर आ सकते हैं, लेकिन देख लेना प्राइवेट जॉब नौकरी डॉट कॉम लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर आएंगे और जो भी आप जॉब देख करके आ रहे हैं सब यहां पर सर्च के ऑप्शन में सर्च करके आप वो जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर ऊपर आपको ना दिखे ना तो ऊपर सबसे पहले आपको वो जॉब दिख जाएगी, ना दिखे तो आप ऐसी में सर्च कर सकते हैं। अब यहां पर जो भी जॉब में आपको अप्लाई करना है उस जॉब पर क्लिक करेंगे इस तरह से, जैसे मैंने इसमें जॉब में अप्लाई करना है एलजी के, तो एलजी की जॉब पर क्लिक किया और नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद यहां पर मुझे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा और वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।